तो हेलो मेरे बच्चे भाई, क्या हाल चाल। आ चुका हूँ एक और गेम प्ले लेकर। तो भाई लोग, ये जो गेम प्ले होने वाला है इसमें मैं हॉट जंप करके खेलने वाला हूँ। और देख सकते हो मेरे नीचे एकदम मिलिट्री बेस आता है और मैं सीधा हॉट जंप कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये सीजन एंड होने वाला है और कुछ ही दिन बाकी है। तो मैं क्या सोचा कि हॉट जंप करके कुछ किल निकल के खेलने के बारे में सोच रहा था। तो फिलहाल देख सकते हो मैं मिलिट्री बेस आ चुका हूँ और मैं इधर लूटता हूँ और मेरे सामने एक बंदा आ जाता है और मुझे सिर्फ पिस्तौल मिलता है। देखो तो उस बंदे को M16 मिलता है, तो मैं इस पिस्तौल से कैसे उस बंदे को निपटाता हूँ। तो भाई देख सकते हो बंदे ने क्या ही जहर डैमेज दे दिया था, क्योंकि भाई मुझे वेस्ट नहीं मिला था और इस बंदे को भी कुछ नहीं मिला था। तो भाई इस बंदे ने M16 दे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था। एक और गोली लग जाता तो मेरा इधर डिब्बा चमक जाता। तो भाई इस बंदे को किसी तरह इस पिस्टल से मार देता हूँ। अभी सामने की तरफ और भी बहुत ज़्यादा बंदे उतर रहे थे, तो मैं इधर लूटता हूँ और इधर लूटने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन आगे जाके एक DP और स्कारल मिल जाता है। उससे सारे के सारे बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो मिलिट्री बेस में लगभग चार बंदे आता है और मुझे इधर स्कारल मिल जाता है और सामने जाके एक और DP मिल जाता है। तो मैं वही लेकर आगे का पुश कर देता हूँ। और आगे जब पुश करता हूँ तो आगे आप गन के साउंड सुने होंगे कि बहुत बंदे लड़ रहे हैं बैरल वैरल लेके। तो मुझे लगा कि स्कारल और कुछ DP और स्कोप भी मिल जाता है, तो मैं वो लेके घुस जाता हूँ डायरेक्ट। अभी देखो आगे के क्या होता है। तो भाई इधर से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये जो गेम प्ले होने वाले है इसमें मैं एक मतलब ऐसा किया था कि मैं घुस घुस के मारूंगा और कौन कौन बंदे मतलब कैसा लॉबी आता है और क्या मैं घुस घुस के कितने किल ले पाता हूँ, यही मैं देखने का ट्राई कर रहा था। तो आप लोग भी देखना इस गेम प्ले में कि किस तरह की बंदा आता है अभी वीक 7 में। अभी वीक 7 भी ख़त्म होने वाले कुछ दिनों में, तो भाई अभी देखना किस तरह के लोबे आने वाले हैं, क्योंकि सामने की भी दो तीन बंदा आता है और पीछे भी एक बंदा उतरे थे मेरे साथ जिसको मैं मार देता हूँ, और दो तीन बॉट भी आता है। तो मैं इधर सबके वो मार देता हूँ, लेकिन ये जो बंदा होता है और भी दो तीन बंदा मतलब एक्स्ट्रा मार देता है, इन लोगों में से फाइट होकर खुद ब खुद ही मर जाता है। तो भाई आप लोगों को पता चल जाएगा कि इधर कैसा लॉबी आता है, क्योंकि भाई देखो अभी वीक 7 चल रहा है और मतलब रैंक पुश लगभग सब ने छोड़ दिया। जिसका जिसका नहीं हुआ वो ही रैंक पुश कर रहा है। तो मैं इधर स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था कि आगे की बिल्डिंग में कोई है कि नहीं। तो मैं आगे जाता हूँ, घुस जाता हूँ, क्योंकि आगे एक बंदा है और पीछे की मतलब इस साइड से एक बॉट ने फायर किया था कि किसने फायर किया था मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, घुस जाता हूँ और जैसे ही घुसता हूँ भाई मुझे एक फुटस्टेप सुनाई देता है। मुझे लगा वो बंदा होगा, लेकिन वो एक बॉट था। तो अभी जैसे ही इस बॉट को मारता हूँ ना, वैसे ही वो बंदा भी अपने बैरल से बॉट फायर देता है, ठीक है ना। मैं इस बॉट को जा रहा था लूटने के लिए, लेकिन उसने बैरल से अपने बॉट फायर दिया और मैं इधर लेट जाता हूँ। और लेटने के बाद मैंने सोचा कि आगे की तरफ चला जाता हूँ, तभी वो बंदा मुझे से पॉट हो जाता है, वो देखो ऊपर वाली बिल्डिंग में। तो इसको DP से एकदम चमका दिया, इसका डिब्बा एकदम चमक गया। अभी देखो इसको जैसे ही मारा ना, तो मेरे पीछे की साइड से एक और बंदा आ जाता है जो वो नया वाला बोल्ट एक्शन लेके मुझे मारने का ट्राई करता है। मैं इसको जब लूट कर वापस आता हूँ तो वो बंदा मेरे ऊपर फायर कर देता है। तो भाई मेरे पास क्या कि मैं इधर लूटने आ जाता हूँ और मुझे इसके बेटी से बैरल मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका बैरल उठा लेता हूँ स्कारल फेंक के, क्योंकि स्कारल में 4x थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं स्कारल फेंक के 4x और DP ले लेता हूँ। अभी देखो मैं जैसे ही इधर लूटने जाता हूँ ना, वो बंदा चाहता है तो मैं भाई इतना ओपन में हूँ, वो बंदा चाहता तो मैं मुझे बहुत आराम से मार सकता था, लेकिन वो क्या चलाता है, AT-AT स्नाइपर चला देता है मेरे ऊपर। मतलब मुझे स्नाइपर से मारने का ट्राई करता है, लेकिन नहीं मार पाता, गोली भी नहीं लगा पाता। तो मैं इसको बहुत ईजी तरीके से मार देता हूँ, और ये बंदा चाहता तो मुझे बहुत पहले ही मार सकता था, लेकिन इस बंदे ने एक गोली नहीं चलाया क्योंकि इसके पास M4 था। फिर भी ये M4 से मुझे नहीं मारा, इस स्नाइपर से मारने का ट्राई किया मुझे। तो भाई इधर मैंने पूरे बेस का सफाया कर दिया, इधर बेस के सारे बंदे ख़त्म हो चुका था। तो मुझे और कुछ नहीं मिला, इधर बंदे बंदे नहीं मिला। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से सीधा उठाता हूँ बागी और सीधा भाग जाता हूँ पोचिंग की तरफ। और भाई मैं जब पोचिंग की में जाता हूँ तो भाई पोचिंग की में कोई बंदा नहीं रहता। मतलब ये जो मैप है किधर किधर बंदा था, मुझे सिर्फ मारना था बंदे को, तो मुझे उतना बंदा दिखा नहीं। तो मैं जहाँ जहाँ बंदे दिखा उधर ही घुस गया। तो देखो अभी उधर से जाते वक्त एक बंदा मेरे से स्पॉट होता है, अभी देखो उसको कैसे निपटाता हूँ मैं भाई। तो भाई पोचिंग की में कोई नहीं मिल रहा था, तो मैं पोचिंग की से निकल रहा था। और निकलने के बाद ही मुझे इधर स्क्वाड हाउस में दो बंदे स्पॉट होता है, एक का फुटस्टेप सुन के मैं रुक जाता हूँ और एक का फुटस्टेप नहीं मिलता।
जो जिसका नहीं मिलता वो स्क्वाड हाउस में होता है, और लेकिन जैसे ही मैं इधर से जाने वाला था तो फुटस्टेप सुन के मैंने रुका, लेकिन वो स्क्वाड हाउस से उसको M4 मार के मार देता है। अभी देखो मैं उसको स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था, मतलब स्पॉट हो चुका था, अभी मेरे रेंज में आते ही मैं इसको स्प्रे देने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बंदे ने भाई क्या ही कार 90 मेरे ऊपर चिपकाया था भाई, मतलब क्या ही। लेकिन उसके बाद मैं सीधा इसके ऊपर घुस जाता हूँ और घुस के डायरेक्ट इसको फिनिश करता हूँ। तो भाई देखो इसको ऊपर कैसे घुसता हूँ और कैसे मारता हूँ इसको। तो भाई इस बंदे को मैं स्टिल मतलब ऐसे देख रहा था, और ये बंदा मतलब मैं सोच रहा था कि इसको कुछ डैमेज देकर इसके घर में घुसूंगा, लेकिन भाई मैं इसको डैमेज देके नहीं, मैं खुद डैमेज लेके इसके घर में घुसता हूँ, लेकिन फिर भी इस बंदे को मैं बहुत आराम से निपटा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इस बंदे को स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था, तो ये बंदा मेरा बागी देख के मुझे स्पॉट कर लेता है। मैं देख सकते हो भाई बंदे ने क्या ही डैमेज दे दिया मुझे इधर। तो मैं क्या कहा, इधर फर्स्ट एड मास्टर लगाया, और फर्स्ट एड लगाते ही तुरंत मैं अपने बगे उठाया, और बगे उठा के तुरंत इसके ऊपर पुश मार देता हूँ। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर पुश मारता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले तो मैं फुल बूस्ट कर लेता हूँ जिसके बाद मैं सीधा इसके ऊपर घुसता हूँ। तो अब देखो अब इस फाइट का मजा लो, और भाई जो जो चैनल में नहीं हुआ ना भाई प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना भाई बहुत, और भाई एक लाइक भी कर देना ठीक है ना। अभी देखो ये जो मैं इधर से आता हूँ, और मुझे पहले फुटस्टेप सुन के लगा था कि ये बंदा नीचे ही होगा, लेकिन ये बंदा नीचे नहीं है, ये बालकनी में था। तो मैं क्या करता हूँ नीचे देख लेता हूँ, नीचे नहीं मिलता है तो मैं क्या करता हूँ सीधा घुस जाता हूँ, और घुसने के बाद मैं इधर होल्ड करता हूँ एक बार, मुझे मेरा शकल दिखा के वापस आ जाता हूँ, क्योंकि वो गोली रिलोड में बैठा देता है। अब देखो ये फायर करना बंद करेगा और मैं घुस जाऊँगा। तो भाई इस बंदे को बहुत आराम से लपेट लिया मैंने, और बहुत इजी तरीके से इसका किल कर लेता हूँ, मतलब इसका पेटी चमका देता हूँ ठीक है ना। तो अभी इसके डिब्बा इधर से लूट कर मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रॉप लेने के लिए निकलता हूँ, लेकिन भाई जैसे ड्रॉप लेने के लिए निकलता हूँ ना तो अपार्टमेंट से एक बंदे का फुटस्टेप आता है, और भाई वो बंदा मुझे क्या ही भरता है भाई, क्या ही भरता है देखना भाई, मतलब क्या बोलूँ भाई उस बंदे ने गजब, मतलब मैंने रुका है और भाई बंदे ने कहाँ से मार दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं भाई बंदा उधर से मार सकता है मुझे। तो देखना भाई उसके बाद मैं एक और क्लिप दिखाने वाला हूँ कि उसमें भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। फिलहाल तो इधर एक और बॉट आ जाता है, इसको मार के मैं ए प्लेन देखते देखते जा रहा था, तो ए ड्रॉप जो है वो आगे की तरफ देता है अपार्टमेंट के आगे की तरफ, तो मैं क्या करता हूँ ड्रॉप लूटने चला जाता हूँ, लेकिन भाई जैसे ड्रॉप लूटता हूँ ना अपार्टमेंट से एक बंदा गोली चलाता है, और देखो उस बंदे के साथ क्या ही होता है मेरे पास सर। तो भाई इधर से मैं बागी लेके निकलता हूँ, और बागी लेके निकलता हूँ जैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपार्टमेंट पे रुक जाऊँगा, मैं मतलब उसका फुटस्टेप सुना देता और मैं डायरेक्ट रुक देता हूँ, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि ये बंदा किस फ्लोर में है कैसा है। तो भाई देखो अभी मैं इधर बाकी रुकाया और बंदे ऊपर चला गया, भाई बंदे ने क्या ही दिमाग लगाया, मैं उधर की खिड़की से अगर घुस जाता तो आराम से घुस जाता, लेकिन इस बंदे ने मुझे इधर से मार देता है, और मुझे इधर मार के बंदा इमोट करना चालू कर देता है, और मुझे लगता है ये बंदे ने मुझे पहचान लिया होगा। तो भाई इस बंदे ने इधर मुझे इमोट करके मतलब मार के इमोट बहुत खुश हो गया और इमोट करना चालू कर दिया। तो भाई मैं मुझे भी अच्छा लगा कि बंदे मुझे पहचानता है, मतलब कोई कोई तो थोड़ा थोड़ा बंदे तो मुझे पहचानते हैं, वैसे उतना व्यूज़ नहीं आता और उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल में, लेकिन खैर कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहना। आज के लिए गेम प्ले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले लेके, बाय गाइस। और जो जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बाय गाइस।